Hello, good evening students. In 11th class physics, we are continuing with dimensional analysis. है ना? Dimensional analysis में अभी हम लोग एक use कर चुके हैं. We have discussed it in detail. क्या? Uses of dimensional analysis में पहला use था to check the correctness of an equation relating different physical quantities. Different physical quantities को relate करने वाली कोई equation सही है कि गलत है, dimensionally correct है या dimensionally incorrect है, वो अभी हम लोगों ने वेरीफाई करने का तरीका सीख लिया है. और उसके लिए अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का यूज किया था, है ना. अब आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूज इसका. बच्चों लिख लेना, सेकेंड यूज इसका है टू डिराइव रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ये दूसरा यूज है. तो इसको समझाने के लिए अभी हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ले लिया है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो डिराइव करना. अब ये किस चीज का रिलेशन है? द टाइम पीरियड, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. वैसे अगर कुछ बच्चों ने पढ़ा हो छोटी क्लासेस में, ये टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. पेंडुलम अभी हम लोग जानते हैं क्या है, किसी एक पॉइंट से एक थ्रेड को सस्पेंड करके एक स्फेरिकल मास को ऑसिलेट कराया जाता है. और पेंडुलम पर बेस्ड क्लॉक्स भी अभी हम लोगों ने देखी हैं. तो इसमें इन्होंने बोला है कि टाइम पीरियड, अब इनमें कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हो सकता आए कि आपको समझ में नहीं आए. अब जैसे आपको टाइम पीरियड हो सकता है शायद समझ में नहीं आए, तो टाइम पीरियड जो है इसको अभी हम लोग कैपिटल टी लिख दे रहे हैं. टाइम पीरियड जो है, दिस इज द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, मतलब एक बार ऐसा गया फिर वापस यहां पर आया, इसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं. मान लीजिए आपको ये बातें नहीं मालूम, कोई जरूरत नहीं है समझने की. इन्होंने बोला है टाइम जो है, दिस डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है. और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. और तीसरी चीज क्या डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब ये तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना. अब हम आगे के जो भी प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें स्टेटमेंट पूरा पढ़ देंगे और ऐसा प्रॉब्लम लिखने का तरीका अभी हमारा ये रहेगा. ये अब सुन लेना, जैसे प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट रहेगा, आई विल नॉट बी राइटिंग डाउन दी स्टेटमेंट्स. क्या लिखा हुआ है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आर, जो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड डिपेंडिंग ऑन मास m, लेंथ l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ऐसा भी हम लोग प्रॉब्लम लिखेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, है ना. विल नॉट बी राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट. आई विल रीड थ्रू द स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स एंड विल बी राइटिंग डाउन द स्टेटमेंट इन दिस फॉर्म. अब टाइम पीरियड मास के ऊपर बच्चों कैसा डिपेंड कर रहा है मालूम नहीं, मास के ऊपर डिपेंड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा नहीं पता, है ना. टाइम का कुछ रिलेशन ऐसा कुछ है क्या, मास के ऊपर 2, लेंथ के ऊपर 3 अपॉन जी क्यूब, ऐसा कुछ है क्या, या जी टू दोबारा 4 है. मतलब इनमें टाइम पीरियड का जो रिलेशन आएगा उनमें मास का कितना पावर है पता नहीं है, लेंथ का कितना पावर है पता नहीं है, मास है भी कि नहीं है, लेंथ है भी कि नहीं है, ये नहीं पता. लेकिन प्रॉब्लम में दिया है कि टाइम पीरियड जो है मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो अब हम लोग इसमें लिख लेंगे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मास. तो मास के कितने पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है नहीं मालूम, हम लोगों ने ए लिख लिया मास टू दोबारा. फिर उसके बाद बच्चों लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अब हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एल के ऊपर. बी लेंथ के ऊपर कितना पावर है पता नहीं है, पावर्स नहीं पता. इसका ऑब्जेक्टिव इस पूरे प्रॉब्लम का यही है कि भैया एल के कितने पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा. लेंथ के ऊपर अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो लेंथ का जो पावर है वो जीरो आ जाएगा, बस ये याद रखना है ना. अब जैसे टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कितने पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये भी नहीं मालूम. सो वी आर राइटिंग दिस जीत दोबारा से. तो ये तो प्रॉब्लम दिया रहेगा, उसका अगला स्टेप आपका हर एक प्रॉब्लम में ऐसे ही रहेगा. कैसा? कि टी डिपेंड्स ऑन मास, कितने पावर के ऊपर? ए लगा दिया. टाइम डिपेंड्स ऑन लेंथ, तो लेंथ का कितना पावर नहीं मालूम, तो बी लगा दिया. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कितने पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा, दैट वी डोंट नो, है ना. सो वी आर पुटिंग अ सी ऑन द पावर. अब इसको कई बार अभी हम लोग डायरेक्टली भी लिख देते हैं, कैसा? कि भाई टी प्रोपोर्शनल टू
एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी और जी के ऊपर सी, लो खत्म हो गई बात। ये जो इन्होंने इतनी बड़ी लाइन बोली थी उसको अभी हमने एक सिंपल लाइन में कन्वर्ट कर लिया कि टी मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टी जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इतनी तीन लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, देखो एक एक प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चों, है ना। अब इसके बाद अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी कभी हटाते हैं तो क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाएंगे तो एक नंबर आ जाएगा, ये कॉन्स्टेंट लिख लिया, एम टू द पावर ऑफ ए, एल टू द पावर ऑफ बी और जी टू द पावर ऑफ सी। अब इसमें फिर से यूज होगा वही पहला वाला प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कहता है कि भैया लेफ्ट हैंड साइड पे अगर टाइम है तो राइट हैंड साइड पे सब कुछ मिलाकर, सब कुछ मिलाकर टाइम ही आएगा। अगर ये टाइम है तो राइट हैंड साइड पर मीटर्स पर सेकंड नहीं आएगा, सेकंड्स ही आएगा या केजी नहीं आएगा राइट हैंड साइड पे। आपको क्या लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम लिखा है, तो इन सबको सॉल्व करने पर बच्चों क्या मिलना चाहिए, ऑब्वियस है। अगर हमें कोई टाइम का रिलेशन दिया है और इन सबको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर क्या मिलना चाहिए, सेकंड्स मिलना चाहिए। टाइम का आंसर सेकंड्स में आना चाहिए कि केजी में आना चाहिए। टाइम अगर कुछ केजी में आगे, मतलब कुछ गलत कर रहे हो आप, है ना। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें फिर से वही चीज का इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। अब अच्छे सुनना, अब प्रॉब्लम ऐसा दिया रहेगा, आगे के जितने प्रॉब्लम दिए रहेंगे वो ऐसे ही दिए रहेंगे, है ना। हम पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, ऐसा लिखेंगे। फिर जिस जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ध्यान से सुनना, जिस जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पहले के ऊपर ए लगा देना, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बी लगा देना और तीसरे के ऊपर सी लगा देना। ये पहला, ये प्रॉब्लम है, ये पहला स्टेप आ जाएगा, ये दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वल साइन कर दोगे, और इक्वल साइन करोगे तो किया जाएगा। अब तीसरा स्टेप देखो बच्चों, हम स्टेप्स के नंबर्स इसलिए देते रहे क्योंकि सभी प्रॉब्लम्स में बिल्कुल यही फॉलो करेंगे। अब बच्चों क्या आएगा, इसके डायमेंशंस अगर आप लिखो तो ये तो टी के ऊपर वन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एम कितना है लेफ्ट साइड में, एम है क्या, नहीं है। और एल है क्या, एल भी नहीं है, टी है। और हम लोगों की ये आदत बना लेनी है कि किसी भी चीज के डायमेंशन फॉर्मूला का लिखना तो एम एल टी में ही लिखना है, भले ही एम नहीं हो। अगर एम नहीं है तो जीरो लगा दो, अगर एल नहीं है तो जीरो लगा दो, टी नहीं है तो जीरो लगा दो, बस खत्म हो गया। अब इसके बाद अच्छे सुनना, राइट हैंड साइड में ये तो के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट यानी नंबर, नंबर का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता अगर ये कांस्टेंट नंबर है, है ना। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बाद ये जो आएगा इसका कोई भी डायमेंशन नहीं आएगा। जब भी आप तीसरी स्टेप लिखोगे तो के को नजरअंदाज करके, निगलेक्ट करके आप स्टेप्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, के को अभी आप दिमाग से बाहर कर दो, क्यों, क्योंकि उसके डायमेंशन फॉर्मूला है। अब इधर क्या लिखा बच्चों, एम लिखा है, एम तो मास होता है, एम क्या होता है, वो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज में से मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, फिर टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हमें मास, लेंथ, टाइम से काम चल जाएगा है? अब ये मास लिख लिया, ये लेंथ है तो इसको एल टू द पावर ऑफ बी लिख लिया, अब ये क्या है, जी। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते समय जब भी आपको ये प्रॉब्लम दिया हो तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इनके डायमेंशन फॉर्मूलाज मालूम है क्या, तो टाइम का तो मालूम है, मास का भी मालूम है, लेंथ, मास तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी एम है, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी वो भी एम है, एल है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अभी हम पहले बता चुके हैं, है ना, जिनको नहीं मालूम उनके लिए अभी हम ये लिख दे रहे हैं एल टी माइनस टू, है ना। तो जो भी प्रॉब्लम है उसमें जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। इनकेस नहीं मालूम कोई दिक्कत नहीं, हम बताते चलेंगे। तो इसमें जी को आपने एल टी माइनस टू लिख दिया, जी की जगह क्या लिख दिया, एल टी माइनस टू, और उसके ऊपर क्या लगा, सी। बस फिजिक्स का काम इतना ही है। इसके बाद लॉ ऑफ इंडाइसिस जो अभी हम लोग पढ़ते थे नाइन्थ क्लास में, है ना, वो अप्लाई होगा। अब वो कैसा अप्लाई होगा कि भैया ये दो चीजें बराबर हैं तो बेस अगर सेम है तो पावर्स भी इक्वल होंगे। तो देखो जरा, ये बच्चों लिखा है एम जीरो, ये लिखा है एल जीरो और ये क्या लिखा है टी वन, ठीक। अब देखना अच्छे से, ये क्या लिखा है, एम के ऊपर ए लिखा है और एल के ऊपर बी है, यहां पर एल के ऊपर सी आ जाएगा और टी के ऊपर माइनस टू सी आ जाएगा, बस
क्या किया, इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, इसके ब्रैकेट्स ओपन करने पर ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक। अब इसके बाद एम जीरो है, एल जीरो है और टी वन है, इज इक्वल टू, अब क्या आएगा, एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी प्लस सी, एल के ऊपर कितना आएगा बच्चों, बी प्लस सी आएगा, एल के ऊपर बी प्लस सी और टी के ऊपर कितना, माइनस टू सी। इसमें क्या यूज हुआ, अगर बेस सेम है तो पावर एड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर एड। यहां थर्ड स्टेप तक फिजिक्स है, अब इसके बाद पूरा छोटी क्लासेस की मैथ्स यूज होनी है। अब देखो अगर ये दो चीजें इक्वल हैं तो m का पावर जीरो और m का पावर a, l का पावर जीरो, l का पावर b प्लस सी, t का पावर वन, t का पावर माइनस टू सी। तो बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगे, इसका पावर जीरो, इसका पावर a, तो जीरो इक्वल टू a लिख लिया, a की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। फिर जीरो पावर्स ऑफ m, अब अगला पावर्स ऑफ l, l के पावर देखो, l के ऊपर जीरो और यहां पर b प्लस सी हो गया। फिर उसके बाद t का पावर, t का पावर वन है, वन है और ये माइनस टू सी, तो c की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस वन बाई टू, ठीक। अब इसमें देखो a की वैल्यू जीरो आ गई, c की वैल्यू इससे माइनस वन बाई टू मिल गई, इससे b निकाल लो, b कितना आ जाएगा, b कितना आ जाएगा बेटा, b की वैल्यू माइनस सी आ जाएगी, माइनस ऑफ माइनस वन बाई टू, यानी b की वैल्यू वन बाई टू। अब देखो आपको वैल्यूज क्या क्या मिल गई, ये हमने सब सर्कल में ले ली है ना, हाईलाइट करने के लिए। अब इसके बाद अब फाइनल जो रिलेशन मिलेगा, हमने जगह इसीलिए यहां पर छोड़ दी थी क्योंकि यहां पर अभी हम आंसर लिखने वाले थे, है ना, या फिर आंसर यहां पर लिख दे रहे हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि हम तुरंत अभी इसके बाद रफ कर देंगे। टी इज इक्वल टू क्या, के एम टू द पावर ऑफ ए, एम के ऊपर ए, एम के ऊपर ए, एम के ऊपर जीरो, एल के ऊपर बी, एल के ऊपर बी, एल के ऊपर वन बाय टू, और जी के ऊपर सी, जी के ऊपर सी, जी के ऊपर माइनस वन बाय टू। मतलब ये एम के ऊपर जीरो यानी वन आ जाएगा, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर जीरो, मतलब हमने जो अज्यूम किया था कि ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर आपके दिमाग में, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को ऑसिलेट करा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को घर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल है, फिजिक्स में तो यही है ना। अभी हम लोगों ने एक थ्रेड लिया, थ्रेड में एक मास बांधा और ऑसिलेट कराया, अब उतनी ही लेंथ पर आपने एक और दूसरा भारी मास बांधा और ऑसिलेट कराया, तो आप एक्चुअल में मेजर करके देखोगे तो टाइम जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते समय आपको नहीं मालूम, आपने मास ले लिया भाई कि टाइम जो है मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अपन लोगों का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें मास देखो अपने आप अलग हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ए की वैल्यू जीरो आ गई, ए मतलब मास का पावर। अब देखो कितना आएगा, एल के ऊपर वन बाय टू, जी का नेगेटिव पावर है, जी का नेगेटिव पावर मतलब जी के ऊपर वन बाय टू, मतलब कितना आ जाएगा बच्चों, के इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो हमने रिलेशन आपको बता ही दिया था कि ऐसे कुछ रिलेशन आता है, रिलेशन क्या आता है, टी इज इक्वल टू टू पाई आता है, ये रिलेशन आता है। तो देखो ये रिलेशन छोटी क्लासेस में जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है उनको ये रिलेशन मालूम होगा, है ना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, उनको ये रिलेशन मालूम होगा। लेकिन यहां पर अभी हम लोगों को जो रिलेशन आता है, इस रिलेशन में ये के की वैल्यू टू पाई है, ये अभी हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे और निकलता भी नहीं, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक कमी है, कमी यानी लिमिटेशन, के कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी फाउंड आउट। अब ऐसी बहुत सारी चीजें अभी हम बताते हैं आपको, तो वो नोट कर लिया करो। जैसे अभी हमने बता दिया कि डायमेंशनल एनालिसिस का एक लिमिटेशन पता चल गया, क्या, कि द वैल्यू ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैन नॉट बी फाउंड आउट, है ना, ठीक। चलो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में
हम लोगों को जो दिया है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं ना। देखो द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट moving on a circular path। ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बड़ा कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे। द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ डिपेंड्स ऑन मास एम वेलोसिटी वी एंड रेडियस आर। हमने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, नया क्वेश्चन बन गया। डिराइव द रिलेशन फॉर एफ। अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ये देखो ऐसा कहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव करते समय एक फोर्स लगता है। अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अ फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स व्हाट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और उसको अभी हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, है ना। अब ये फोर्स जो है फिजिक्स में आप फील कर सकते हो। इफ यू आर टाइंग अ स्टोन, अगर धागे से एक पत्थर को बांधकर आपने घुमाया और इसको छोड़ दिया तो ये सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं करेगा, आपको सेंटर की तरफ, मतलब ये सेंटर है आपका हाथ, आपको इधर पकड़ के रखना पड़ेगा, मतलब इसको सेंटर की तरफ खींच के रखना पड़ेगा, तभी ये सर्कुलर पाथ पर चलेगा। तो एक फोर्स चाहिए पड़ता है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये फोर्स अगर फील करना है तो बहुत तेज अगर आप घुमाओगे तो आपको फील होगा कि भैया सेंटर की तरफ ज्यादा जोर से खींच के रखना पड़ेगा। घर पर डोंट ट्राई एनीथिंग, ठीक है। इफ यू हैव टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टोन, ट्राई इट इन ओपन ग्राउंड एंड दैट टू आई एडवाइज प्लीज डोंट ट्राई, है ना। फिजिक्स पढ़ने के बाद आपने कुछ ट्राई किया है ना, तो दिक्कत वाली चीज है बच्चों। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दिस विल बी स्टडिंग इन सर्कुलर मोशन इन डिटेल। लेकिन अभी क्या बोला है, फोर्स एफ देखो ये अभी हम कहते हैं ऐसा लिख लिया करो, डिपेंड्स ऑन मास m वेलोसिटी v एंड रेडियस r, ठीक। अब देखो क्वेश्चन आधा सा तो यहीं पर खत्म हो जाता है जब आप ये चीज लिख लेते हो, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस। अब सबसे पहला जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनको दिमाग में रखना, क्या इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेस मालूम है, नहीं मालूम तो नोट करके रख लो, पहले से लिख लिए। एम एल टी माइनस टू होता है फोर्स, ऐसा लिखना नहीं, ये भी हम चूंकि स्टार्टिंग स्टेज है, ये मास तो एम ही होता है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, वेलोसिटी एल टी माइनस वन होता है, और ये रेडियस आर, रेडियस आर मतलब लेंथ एल। अब कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम अब स्टार्ट करें, फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, फोर्स ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन सी तीन चीजें हैं, फोर्स मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो अभी हमने बोला पहली चीज के ऊपर ए लगा दो, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा तो वेलोसिटी के ऊपर बी लगा दो, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस, तो रेडियस के ऊपर सी लगा दो, बस खत्म, इतना सा है। अब इसमें अभी हमने बोला बार बार वही स्टेप्स रिपीट होंगी, एक फिजिकल क्वांटिटी दी रहेगी वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। इसमें अब ध्यान से सुनना, हम लोग जो लिमिटेशंस पढ़ते हैं उसमें लिमिटेशन ये भी है कि
तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर अगर डिपेंड करेगी तो अभी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर ये मास, वेलोसिटी, रेडियस, इसके अलावा एक आध कोई और चीज होती उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती, वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो एक और लिमिटेशन पता चल गई। सो रिलेशन कैन बी डिराइव्ड एट दिस स्टेज, जो अभी हम लोग 11th क्लास में, एट दिस स्टेज द रिलेशन कैन बी डिराइव्ड ओनली फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन टू थिंग्स और थ्री थिंग्स। तीन से ज्यादा अगर है तो अभी हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे। है? अब इसमें देखो बच्चों, ध्यान से देखना, एम टू द पावर ऑफ ए, वी टू द पावर ऑफ बी और आर टू द पावर ऑफ सी ले लिया, एफ इज इक्वल टू के एम टू द पावर ऑफ ए, वी टू द पावर ऑफ बी, आर टू द पावर ऑफ सी। ये पहला स्टेप इसको अभी हम लोग बोलते हैं, है ना? ये तो प्रॉब्लम है इसकी, या फिर इसको बोल लो ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें डायमेंशन लिखने हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले क्या आ जाएंगे बेटा, एम एल टी माइनस टू। ऐसा रूल हमने बोला याद रखना कि जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो के को उड़ा दो, एम टू द पावर ऑफ ए, वेलोसिटी बच्चों वेलोसिटी एल टी माइनस वन टू द पावर ऑफ बी, लो हो गया। अब उसके बाद क्या है, आर, आर मतलब एल टू द पावर ऑफ सी, लो। अब क्या करोगे, कर लो सॉल्व इसको। सॉल्व करने का तरीका अभी हमने आपको बताई दिया है। क्या करना है बच्चों इसमें, यू हैव टू इक्वेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एम, सॉरी द पावर्स ऑफ एम एल एंड टी ऑन बोथ साइड्स। अब देखो ये कितना आएगा, एम के ऊपर वन आया बच्चों, एल के ऊपर वन आया, टी टू द पावर ऑफ माइनस टू। अब उसके बाद एम टू द पावर ऑफ क्या आएगा, ए है, एल टू द पावर ऑफ कितना है बच्चों, एल के ऊपर बी है, टी के ऊपर माइनस बी है और एल के ऊपर सी है, ऐसा कुछ है। अब क्या करोगे, अभी हमने ये पावर्स ऊपर लगा दिए दोनों जगह, कितना आएगा, एम के ऊपर वन, एल के ऊपर वन, टी के ऊपर माइनस टू, इक्वल टू एम के ऊपर ए, एल के ऊपर बी प्लस सी, ऐसा कुछ है, और टी के ऊपर क्या, माइनस बी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ आएगा। तो एल के ऊपर बी प्लस सी आ गया, टी के ऊपर माइनस बी, ठीक है। एल का ये पावर है और एल का ये पावर है, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। अब क्या करोगे, दोनों तरफ के पावर्स इक्वेट कर दो, तो वन इज इक्वल टू ए आ गया, पावर्स ऑफ एम। अब शुरू के प्रॉब्लम से हम ऐसा लिख रहे हैं, आगे लिखने की जरूरत नहीं हमारे ख्याल से, पावर्स ऑफ एल, एल क्या आ जाएंगे, वन इज इक्वल टू बी प्लस सी, इधर तो ए की वैल्यू वन आ गई, इसको सर्कल कर लिया। अब पावर्स ऑफ टी, पावर्स ऑफ टी बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस टू इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। तो बी की वैल्यू टू आ गई, लो इसको भी सर्कल कर लिया। अब बी की वैल्यू टू इसमें रखो तो क्या मिलेगा, वन इज इक्वल टू टू प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी, माइनस वन, सी की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू टू और सी की वैल्यू माइनस वन, है ना। फिर ये आने के बाद आंसर, अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी यहां पर लिखा था, यहीं पर लिख दे रहे हैं, आंसर किससे मिलेगा, सेकंड वाली स्टेप से, एफ इज इक्वल टू के एम टू द पावर ऑफ ए, एम के ऊपर ए कहां गया, वन, वी के ऊपर बी, वी के ऊपर टू और आर के ऊपर सी, आर के ऊपर माइनस वन। तो ये कितना आ जाएगा, के एम वी स्क्वायर बाय आर, है ना। जब हम लोग इस चैप्टर पर आएंगे, जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल रिलेशन क्या आता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। तो के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू वन होती है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन, हम बार बार रिपीट करते हैं, कमी, लिमिटेशन इज
दैट यू कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k. तो ये अभी हम हमेशा काट देते हैं, पिछले प्रॉब्लम में भी काट दिया था, है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली. आई एम सिलेक्टिंग द नेक्स्ट प्रॉब्लम. ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको जो दिया हुआ है, हाँ ये लास्ट, है ना. तो प्रॉब्लम्स का टाइप जो है बहुत ज्यादा वैरायटी अभी तो नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस में, लेकिन आगे जाकर बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना. ऑन द नेक्स्ट टर्न वील बी डिस्कसिंग सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ नीट एंड एम्स. नीट और एम्स के कल अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे पिछले सालों के, है ना. इसी पर बेस हम टॉपिक वाइज साथ के साथ निपटाते जाएंगे. पहले अभी हमारी अप्रोच ये रहती थी कि पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद लेंगे, लेकिन अभी जिस टॉपिक के जो आएंगे प्रॉब्लम साथ में लेते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी लगना चाहिए कुछ बन रहा है. अब इसमें कहा है, ओ ये रब कर दें. अब इन्होंने बोला कि स्टोन जब रिवर फ्लो करता है, रिवर फ्लो में स्टोन्स भी फ्लो करते हैं, है ना. तो इसमें इन्होंने कहा है मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन, मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन स्टोन M that can be moved by a flowing river. River flow करता है तो साथ में stones भी flow करते हैं. तो mass of the largest stone that can be moved by a flowing river depends upon problems. अभी हम description box में दे देंगे बेटा आपको, है ना. So don't worry about the problems. By a flowing river depends only upon velocity v. ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी वी, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ये रो है. ऐसा डेंसिटी अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये ऐसा है और इसको प्रोनाउंस करते हैं कैसा, रो, डेंसिटी रो. एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अभी हम ये बार बार कहते हैं कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दी रहेगी और वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी, तीन से ज्यादा के ऊपर डिपेंड करेगी तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ये एक और लिमिटेशन है ना. हम चीजों को रिपीट करते जाते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए चीजें. तो इन्होंने बोला रिवर अगर फ्लो कर रही तो उसमें स्टोन फ्लो करते हैं, तो मास ऑफ द लार्जेस्ट स्टोन दैट कैन बी फ्लोन दैट फ्लोज इन अ रिवर डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. क्योंकि वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी, सोचकर देखो, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो मास ऑब्वियसली ज्यादा ये फ्लो करा सकता है ना. डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है और जी के ऊपर भी, है ना. अब इसमें अभी हम लोग विल नॉट गो इनटू द कॉन्सेप्ट्स. अब देखो मास डिपेंड्स ऑन, मास डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वी टू द पावर ऑफ ए ऐसा दिया है. मास इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, वेलोसिटी टू द पावर ऑफ ए. इट इज डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी to the power of b and depending on acceleration due to gravity to the power of c. और अभी हम लोग जब भी कहते हैं कि आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दी हैं पहले तो प्रॉब्लम में उनके डायमेंशन फॉर्मूले मालूम होने चाहिए. नहीं मालूम तो देख लो, वेलोसिटी lt minus 1, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी ml minus 3, और acceleration due to gravity lt minus 1. जो मालूम है ठीक है, नहीं मालूम अभी आप नोट कर लेना समय के साथ साथ. एज यू प्रैक्टिस मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस, है ना. सब याद हो जाएंगे, चिंता मत करना. देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आज दूसरी बार आ गया है, एल टी माइनस टू याद हो जाना चाहिए, है. अब देखो ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, एम इज इक्वल टू के वी के ऊपर ए, डेंसिटी के ऊपर बी और जी के ऊपर सी. यही कर रहे हैं अभी हम लोग बार बार कि भैया जो क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर एबीसी लगा दो
वेलोसिटी के ऊपर ए लगा दिया, डेंसिटी के ऊपर बी लगा दिया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर सी लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला, तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में एम इज इक्वल टू के एल टी माइनस वन के ऊपर बी ए, सॉरी इसका डेंसिटी का कितना है एम एल माइनस थ्री टू द पावर ऑफ बी और एल टी माइनस टू के ऊपर सी, ऐसा कुछ आ गया। बस अब इसके बाद जो है फिजिक्स वाला पार्ट खत्म, बार बार यही बोलते हैं। अब इसको कैसा लिखेंगे, इसको देखो एम जीरो, सॉरी सॉरी एम जीरो नहीं है, एम वन एल जीरो टी जीरो, एम मास अकेला है, लेंथ और टाइम तो लिखना पड़ेगा है ना। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये देखो बेटा एल के ऊपर ए है, टी के ऊपर माइनस वन के ऊपर, टी के ऊपर माइनस ए है, माइनस वन के ऊपर ए, ये पावर दोनों के ऊपर लग जाएगा, ए के ऊपर भी और माइनस वन के साथ ए, इधर क्या आ जाएगा एम के ऊपर बी आ जाएगा, एल के ऊपर माइनस थ्री भी आ जाएगा, एम के ऊपर बी एल के ऊपर माइनस थ्री भी, और क्या आएगा एल के ऊपर सी आएगा और टी के ऊपर माइनस टू सी, एल के ऊपर सी और टी के ऊपर माइनस टू सी। अब कितना आएगा एम वन एल जीरो टी जीरो, अब कलेक्ट कर लो, पहले मास लिख लो, मास केवल एक ही जगह आ रहा है ना बच्चों, मास के ऊपर बी, लेंथ के ऊपर, लेंथ यहां पर है और यहां पर है और यहां पर है, तीन जगह है, ए माइनस थ्री बी प्लस सी, ऐसा कुछ आएगा है ना। उसके बाद अगला टर्म क्या है बच्चों, कुछ छूट तो नहीं रहा, बस यही, फिर उसके बाद टी के ऊपर माइनस ए माइनस टू सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब वन इज इक्वल टू बी, एम के पावर्स कंपेयर करो, एल के पावर्स कंपेयर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, अब एल के पावर्स अगर कंपेयर करेंगे, ये बी की वैल्यू तो आ गई, बी की वैल्यू मतलब डेंसिटी का पावर तो मिल गया है ना। ठीक, अब इसमें देखो एल के पावर्स अगर कंपेयर करें तो कितना आएगा, जीरो इज इक्वल टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी, ऐसा कुछ है, और टी के पावर से कंपेयर करें तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू सी, अभी हम फिर से बता देंगे है, चिंता मत करो। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें इनको अगर आप ऐड करो तो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो कितना बचेगा, माइनस थ्री बी एंड माइनस सी, ये माइनस थ्री बी आ गया और प्लस सी और माइनस टू सी मिलकर कितना, माइनस सी आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इसमें बी की वैल्यू आप कितनी रख लो, बी की वैल्यू वन रख लो, ये थोड़े से कैलकुलेशंस भर लंबे हैं, पहला ऐसा क्वेश्चन है, तो सी की वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी, तो सी की वैल्यू बच्चे इसमें कितनी आ गई, माइनस थ्री। अब C की वैल्यू आ गई, B की आ गई, A निकाल लो, A निकालने के लिए किसका यूज करेंगे, यहां पर लिख लेना A माइनस थ्री बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, A की वैल्यू माइनस थ्री बी मतलब माइनस थ्री प्लस सी मतलब माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो A की वैल्यू सिक्स आ गई। तो इसमें फिर फाइनल आंसर ये यहीं पर लिखा है सेकेंड स्टेप से, एम इज इक्वल टू के लिखा, वेलोसिटी के ऊपर ए लिखा, वेलोसिटी के ऊपर ए कहां गया बच्चों, ए निकाला था, ए की वैल्यू सिक्स, ये सर्कल में कर दिया, वेलोसिटी के ऊपर सिक्स और उसके बाद डेंसिटी के ऊपर बी, डेंसिटी के ऊपर वन और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर सी, सी की वैल्यू कितनी माइनस, सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी के ऊपर वन है, जी के ऊपर सी है, जी के ऊपर सी यानी जी के ऊपर माइनस थ्री, सो दिस विल बी द आंसर। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द नेक्स्ट टर्म, सम मोर एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।